हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर। ये टॉपिक आपके GS2 के सिलेबस का पार्ट है दैट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। विल टॉक इन दिस द रिपोर्ट दैट टॉक्स अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट? दिस इज़ वेरी हेल्पफुल विद रिलेट्स टू योर डाटा फॉर यू नो जीरो हंगर टारगेट, दैट इज a sustainable development goal number 2 to be achieved by the year 2030. So we'll discuss in detail what are the indicators for this index and how is the India's performance on these indicators and what are the schemes and initiatives that government has come up and what can we do further to help make sure that we come up with zero hunger index, right? So let's discuss in detail. So the Global Hunger Index report is jointly published by Concern Worldwide and Welthunger Hilfe. It is a German non-profit organization. India has been ranked 94 among 107 countries in this Global Hunger Index of 2020. It was firstly produced in the year 2006. It is published every year in October. 2020 edition marks the 15th edition of the Global Hunger Index. It aims to comprehensively measure and track hunger at global, regional and country levels. So at all these three levels, hunger is measured. Calculation kaisi ki jaati hai iski? Well, it is calculated on basically four indicators. And in four indicators pe performance judge ki jaati hai, unke scores calculate kiye jaate hain. And as per these scores, unki jo severity hai, usko judge kiya jata hai. Right? So first is undernourishment. It is a share of population with insufficient calorie intake. Second is child wasting, share of children under age of 5 who have low weight for their height. This reflects acute undernourishment conditions. Next is child stunting. It is a share of children under age of 5 who have low height for their age. Right, height versus age is in case of stunting and weight versus height is in case of wasting. So it reflects chronic undernutrition. Child mortality is the rate of children under age of 5. So scoring jo hai, it is based done on these four indicators. Global hunger index determines hunger on the 100 point scale. अगर जीरो है तो इट इंडिकेट्स बेस्ट पॉसिबल स्कोर, देर इज़ नो हंगर इन द कंट्री एंड 100 शोज द वर्स्ट। ईच कंट्रीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर इज क्लासिफाइड बाय सिवेरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीम अलार्मिंग। ग्लोबल सिनेरियो क्या है? सो वर्ल्ड वाइड हंगर, इट रिप्रेजेंट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 18.2 विच इज़ मॉडरेट लेवल, डाउन फ्रॉम 2000 ग्लोबल हंगर स्कोर ऑफ 28.2 सीरियस, राइट? सो वी आर एट अ बेटर स्कोर विच इज़ मॉडरेट 18.2 ग्लोबली। सो फैक्टर्स क्या हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के? वेल, देर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू पॉवर्टी, राइट? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज देयर, बट सच फैक्टर्स हैव कम अप रिसेंटली लाइक कोविड पैंडमिक के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से, दैट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड एक्सिबिलेटिंग इफेक्ट ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, राइट? ऑल्सो देर वॉज मैसिव आउटब्रेक ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड अदर क्राइसिस वर देयर, बट जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है उसको भी काउंट नहीं किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। द अबव मेंशन्ड क्राइसिस केम अप ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग हंगर कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एंड इकोनॉमिक शॉक्स, रैंडम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स आर देयर। अगर हम रीजन वाइज परफॉर्मेंस को जज करें तो अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा एंड साउथ एशिया हैव हाइएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल अमंग द वर्ल्ड रीजन्स। 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रहा है इन दोनों कंट्री एरियाज रीजन्स का, दैट इज़ 27.8 एंड 26, विच इज़ कंसीडर्ड सीरियस। सो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है टू अचीव जीरो हंगर बाय द ईयर 2030, इट सो वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव दिस ग्लोबल टारगेट। इंडिया का अगर हम लोग जज करें सिनारियो तो इट इज़ एट स्कोर ऑफ 27.2 विच मार्क्स दैट इंडिया इज़ एट अ लेवल ऑफ सीरियस हंगर। इट इज़ 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ और 2019 में इंडिया का रैंक था 102 आउट ऑफ
117 countries. When we compare this with other countries, it is left behind. जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनके कंपैरिजन में इंडिया जो है, it is left behind, right? So we have to work harder to achieve zero hunger goal. Next is out of 107 countries, only 13 countries worse than India. That includes Rwanda, Nigeria, Afghanistan, Liberia and Mozambique. अगर हम इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस को जज करें तो अंडर नरिशमेंट के केस में 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड इन द ईयर 2017-19. इट वॉज 16.3 ड्यूरिंग 2011-13. चाइल्ड वेस्टिंग के केस में इट इज 7.3% इन 2015-19. इट वॉज 15.1 इन द ईयर 2010-14. चाइल्ड स्टंटिंग के केस में इट इज 34.7. इट हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 54 इन 2000 टू लेस देन 35% नाउ. चाइल्ड मोर्टैलिटी के केस में इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव 3.7%. इट वॉज 5.2% इन द ईयर 2012. सो बेसिकली जो चाइल्ड वेस्टिंग का केस है, इसके केस में हमने डिक्लाइन किया है, राइट? यहाँ पे हम लोग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. वेयर एज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी के केस में इट इज बेटर परफॉर्मेंस. कुछ इनिशिएटिव्स हैं दैट डील्स विद ग्लोबल हंगर, राइट? जैसे कि फूड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है सरकार, सो दैट पीपल आर ऑप्टिंग टूवर्ड्स फोर्टिफाइड फूड. देर इज कल्चरल चेंज, राइट? इंस्टेड ऑफ कैलोरी बेस्ड डाइट, पीपल शुड फोकस टूवर्ड्स न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट. सो ऐसी चेंजेस के लिए, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, कल्चरल चेंजेस के लिए ईट राइट मूवमेंट इंडिया वॉज स्टार्टेड. इट वॉज एन आउटरीच एक्टिविटी दैट वॉज ऑर्गनाइज बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फॉर सिटीजन्स टू नच दैम टूवर्ड्स ईटिंग राइट. एंड देर इज ऑल्सो पोषण अभियान विच इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द ईयर 2018. इट टारगेट्स रिड्यूस्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशन, अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रेन, वेमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स. देन देर इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इट इज लाइक अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, राइट? विच इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2017. देन देर इज फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम. यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर, फूड एनरिचमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है इन ऑर्डर दैट देर इज एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स सच एज आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड डी टू स्टैपल फूड सच एज राइस, मिल्क, सॉल्ट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन कंटेंट. जैसे कि सॉल्ट में वी प्रमोट आयोडाइज सॉल्ट, राइट? मिल्क के केस में देर इज फोर्टिफिकेशन ऑफ विटामिन ए एंड डी. सो दैट इज देयर कि फूड को फोर्टिफाई करके आगे चेन ट्रांसफर किया जाए, जिससे कि फूड सिक्योरिटी प्लस साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज को भी कवर किया जा सके. सो ड्यूअल बेनिफिट विड बी देयर. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 लीगली इंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. देन वी हैव मिशन इंद्रधनुष. इट टारगेट्स चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज एंड प्रेगनेंट वेमेन फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज. देन वी हैव इंटीग्रेटेड Child Development Services Scheme, which is launched on 2 October 1975. The Integrated Child Development Services Scheme offers a package of 6 services that are supplemented nutrition, preschool non-formal education, nutrition and health education, immunization, health checkup and referral services to children in the age group of 0 to 6 years, pregnant women and lactating mothers. सो गवर्नमेंट, प्राइवेट एक्टर एंड एन जी ओज, इनको केयरफुली कोऑर्डिनेट करना चाहिए सो एज टू मेक श्योर दैट हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं दे ओवरलैप फूड एंड हेल्थ क्राइसिस, राइट? एंड वर्क विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर दैट इंटरवेंशंस आर कल्चरली एक्सेप्टेबल, राइट? कल्चरल चेंज आ सके हमारे बीच में, दैट इज इम्पॉर्टेंट. रीच द मोस्ट वल्नरेबल एंड प्रिजर्व द लोकल सिस्टम. जो हमारे लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन पर काम किया जाए सो दैट दे आर फोर्टिफाइड. फूड इज फोर्टिफाइड. फूड के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी फोकस में लाया जाए, राइट? सो दैट स्मॉल होल्डर्स जो हैं, स्मॉल फार्म होल्डर्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, राइट? साथ ही साथ वी आर फोकसिंग ऑन एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट बेस्ड मल्टीलेटरल मैकेनिज्म एंड इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सच एज कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी मस्ट बी स्ट्रेंथन टू सपोर्ट इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स.
So we are also trying to support smallholder farmers in becoming sustainable and diversified producers. Government NGOs must seek to improve those farmers' access to agriculture inputs and extension of services, coupling local and indigenous agriculture with the new technologies. I hope this helped you understand this topic in depth. For more such videos, please like, share and subscribe our channel. Thank you.